तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आ चुके हैं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के और आज हम लोग फिर से जा रहे हैं इस वाले एंशिएंट टेंपल में, क्योंकि बंदे तो यहीं आते हैं। और उतरते के साथ मुझे M416 मिलती है और मेरे साथ एक बंदा भी उतरा है। तो इस भाई की अगर शॉटगन लग जाती तो मेरी पेटी तो यहीं पर बनना एकदम तय थी, लेकिन जैसे तैसे M16 से काम चला लेते हैं और इस बंदे की पेटी बना देते हैं और इधर थोड़ा लूटते हैं, तभी एक और बंदा आता है। ये भाई हमारे बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में थे, पता नहीं क्यों इतने फॉर्म में थे। हमारे भाई की बोली में जंप वंप लगा रहे, भाई को बचने की कोशिश बहुत थी, जीने की तमन्ना थी भाई को, और उन्हीं को मारने में मज़ा आता है जिन्हें जीने की तमन्ना होती है। अब मुझे आसपास से बहुत ज़्यादा ही फुटस्टेप्स आ रहे थे कि बंदे इधर है, बंदे उधर हैं, तो मैं इस साइड आता हूँ कि शायद बंदे इस साइड हों, बंदे उस साइड हों, लेकिन बंदे मुझे दिखते नहीं हैं। तो मैं अपनी तलाश जारी रखता हूँ और बंदे को ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ, और बंदा मिलता भी है और वो इस सेट के स्टेयर्स पे आने की कोशिश कर रहा है। तो भाई के पास थी यूजी और यूजी की फायरिंग रेट AKM से बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए मैं मर गया। चलो, मेरा बहाना खत्म हो गया, मैं अच्छे से नहीं खेल पाया। फिर हमारे भाई ने उसके पेटी बना दी और हमें आकर के भाई ने रिवाइव दिया, और फिर हम रिवाइव हो करके सामने बंदे लोग को मारेंगे। अब हम रिवाइव हो चुके हैं आगे और दो बंदे लड़ रहे, तो हम लोग अंदर घुस गए और दोनों की पेटी बनाते हैं। तो एक भाई को तो मैंने पेटी बना दी और हमेशा की तरह यहाँ पे फिर से मेरे साथ स्कैम होगा। तो यहाँ पे एक भाई हमारे कट्टा लेकर के सोए हुए हैं, मैंने उम्मीद भी नहीं रखे थे, मुझे फुटस्टेप्स मिल रहे थे लेकिन मुझे ज़रा सा भी नहीं पता था कि ये भाई यहाँ पे कट्टा लेकर के सोए हुए हैं। तो हमारे भाई हमें देते हैं हेल्थ किट कि भैया तुम पहले हील कर लो, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं, इसके साथ स्कैम करेंगे, हील नहीं करेंगे। तो इस भाई के साथ स्कैम कर दिया हम लोगों ने, एक बंदा गया उसके ऊपर फोकस किया, हम लोगों ने इसकी पेटी बना दी, पर सामने मुझे बंदा, अब यहाँ पे मेरा सकारल और रेड डॉट का स्प्रे बहुत ही अच्छा जा रहा था, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं फिनिश भी कर दूंगा, लेकिन घंटा नहीं। तो फिर यहाँ पे एक और बंदा रहता है, तो इसको भी नॉक करने की पूरी कोशिश रहती है, और शायद ये बंदा हो भी जाए। ये बंदा की हमारी भाई ने किल चुरा ली, चलो कोई बात नहीं, भाई हमें बचाते भी है। और सामने में एक बॉट आया हुआ है, तो इन बॉट की भी पेटी बनाई जाए। अब यहाँ से हम लोग आते हैं आगे और इन बॉट को कंफर्म करते हैं। अब कंफर्म करने के बाद बॉट को खोलते हैं, तो देखते हैं भाई के पास UMP 4-5 पड़ी थी और सामने एक बंदा है, यह बॉट था, बंदा इधर है। तो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद हमारे भाई का नाम था डार्क एवेंजर और मेरा नाम भी है मार्वल आयरन मैन, तो भाई हमारे ही रिश्तेदार थे। तो भाई को मार के उनकी गाड़ी चुरा करके हम लोग इधर चर्च की साइड आ जाते हैं पोचिंकी की, और यहाँ पे एक बंदा नेक्स्ट लेवल का सांप बना हुआ है। ये देखिए, भाई ने गाड़ी देखी नहीं, तुरंत सांप बन गया भाई। अरे भाई ऐसा मत करो, सांप सांप मत बनो, लेकिन भाई हमारे सुधरेंगे नहीं। तो हम यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठते, सामने बहुत बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे, तो थोड़ा मार तलाश की कोशिश करते हैं, बहुत फायरिंग हो रही है। तो पहले मैं अपने M4+6 को एडजस्ट करता हूँ, अपने भाई लोग को बैठाता हूँ और डायरेक्ट वहीं घुस जाऊँगा। और मेरे भाई को, एक भाई को हमारे टीममेट को शॉट पड़ रहे थे, तो भाई को मैंने बोला कि आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए, इन बंदे की पेटी बनाते हैं। अब यहाँ पे मेरी सस्ती ड्राइविंग से मैंने अपनी गाड़ी को ठोक दिया और मैं आगे बढ़ता हूँ और ज़िंदगी मेरी इसी में गुजर जाएगी आगे बढ़ते बढ़ते। खैर, मजाक से हट करके यहाँ पे बहुत बंदे हैं, तो मैं पोचिंकी के अंदर गाड़ी घुसाने की कोशिश करता हूँ, जो कि नाकामयाब रहती है। उसी के सामने एक बंदा आ जाता है। अब ये भाई दे जिगल खेल रहे थे मेरे साथ, और हमारे एक भाई को नॉक भी कर देता है कोई पता नहीं कहाँ से। तो मैं यहाँ पे हील करने के लिए कूदता हूँ, तभी एक बंदा ऊपर से कूदता है, हम उसके सामने, लेकिन भाई हमें नहीं मारेंगे, पहले भाई हमारे भाई को मारेंगे। भाई कहते किल चोर हो रखे थे। तो मैं यहाँ पे हील करता हूँ और हमारा टीममेट बोलता है कि और बंदे आ गए। तो इन भाई की भी पेटी बनाते हैं सीधे, और इधर थोड़ा सा ठप 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 लूट लेंगे, और फिर और फायरिंग होती है और बंदे मारते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। अब ये तो बॉट हो गया, लेकिन यहाँ पे बॉट नहीं, यहाँ पे बंदे भी बहुत सारे आने वाले हैं। मेरा टीममेट एनिमीज़ अहेड कर रहा था। हाँ, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा हूँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सस्ती है, क्या कर सकते हैं।
तो सामने और भी बंदे थे, तो मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं अंदर घुस जाता हूँ डर के मारे कि कहीं कोई मेरी पेटी ना बना जाए, नहीं तो अच्छा खासा किल बर्बाद हो जाएगा। 15 किल करके हूँ तो हम अपने भाई को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, काफ़ी बेशरम हूँ मैं, बहुत बेशरम हूँ। तो फिर सामने से फुटस्टेप्स आते हैं, फिर मैं अंदर घुस जाता हूँ कि ओपन नहीं रहूँ, तभी मुझे एक बंदा दिखता है और इस बंदे की पेटी बनाते, इसने बॉट को मारा था उसकी भी पेटी बनाते। और यहाँ पे एक कमीने बंदे ने जलती बोतल में आग फेंक दिया था हम लोग के ऊपर। अब उसका भी बदला हम लोग लेते हैं, बराबर लेंगे। देखो बंदे की ढीठता देख रहे हो, मतलब खुद नहीं हो तो मॉली वॉली फेंक दो। भाई कतई जलाने मांग रहे थे, मेरा पिछवाड़ा इतना जल रहा था मैं क्या बोलूं। जंप हम सब मार के रखा था, मैं प्रोन हो रखा था, कहीं ट्रिक पे देखा था कि प्रोन होने से थोड़ा कम होता है। तो फिर यहाँ पे मैं अपने भाई को रिवाइव करता हूँ, हीलिंग लपेटूंगा और थोड़ा सा हराम का माल लूटता हूँ। इतने बंदे को बॉट को ठिलाया है, मज़ा आया है, तो उन बॉट की भी पेटी वोटी लूटूंगा। यहाँ पे पहले मैं हील कर लूँगा, क्योंकि बगैर हील के कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है बगैर हील के, फालतू का जाएंगे कि पेटी बन जाएगी मेरी। अब यहाँ पे मैं पेन किलर ले लिया था, तो मैं थोड़ा सा लालची होकर लूटने लगा। उसके बाद ठीक मैं आगे बढ़ता हूँ और तभी मुझे खिड़की पे बंदा स्पॉट होता है, तो मैं निकालता हूँ अपना M4+4। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद मुझे बहुत खुशी होती है। भाई ने नेट भी करके रखा था, भाई प्री नेट कर चुके थे। मुझे एक और बंदा दिखता है, लेकिन इस भाई को मैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करके मारूंगा और एक स्मोक भी कर देता हूँ। मजे में खेल रहा था, और अपना बदला लेंगे उसी मौली से जिस मौली से भाई ने हमें जलाया था। तो यहाँ पे ठुकरा के मेरा मौली, मेरा इंतकाम भाई ने देख लिया, और उसके बाद पोचिंगी के सारे बंदे निपट जाते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं इस साइड, क्योंकि जोन इसी साइड बनी थी, और एक गाड़ी भी स्पॉट होती है। और यहाँ पे देखो एक बंदा क्या कैंपिंग कर रहा है। तो यहीं से बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, बंदा ऊपर है, हमें पता चल गया था, तो हम पहले अपने भाई को भेजते हैं। और देखो बंदा क्या चला रहा है। अब इस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल का था। भाई के पास M4+6 था, लेकिन भाई को चलाना क्या है, बाइजोन, क्योंकि भाई को लगता है कि बाइजोन ग्रोजा से भी बेटर है। तभी सामने में ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप पे भी बंदे आए हुए थे, तो उस बंदे के ऊपर भी फायरिंग करते हैं, लेकिन नाकामयाब। अच्छा, मैं फायरिंग नहीं करता हूँ, मैं गोली बर्बाद नहीं करता हूँ, मेरा टीममेट करता है। तो उन बंदों का पीछा करते करते हम यहाँ स्क्वाड हाउस की तरफ आ गए थे, तभी मुझे एक बंदा स्पॉट मिलता है। तो इसको थोड़ा सा डैमेज देने के बाद मैं सीधा उतरता हूँ, अपनी गन रिलोड करूँगा और सीधा ऊपर जाऊँगा। अब भाई यहाँ पे एकदम सीढ़ियों के बगल में बैठे हुए थे, कि मतलब वो वाली सीढ़ियों के, समझ जाओ हमारी बात को। फिर भाई के साथ एक और भाई थे अंदर, तो मेरा टीममेट चिल्लाता है जाओ जाओ मारो, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं मैम, हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट मैम। तो मैं फिर थोड़ा सा हील करता हूँ और जल्दी से इस बंदे की पेटी बनाता हूँ। अब आखिरी के 3 बंदे बचे हुए थे हमें छोड़ करके, तो हम लोग इस साइड आते हैं, क्योंकि इस साइड हमें गाड़ी स्पॉट होती है, और यहीं पे बंदे भी रुके हुए हैं। एनिमी स्पॉटेड फॉर रियल दिस टाइम। तो हमारा चिकन डिनर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है हमें आप लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया।